presentation Yes, Vanshika, what is form? A form is nothing more than graphical representation of a table. A form is nothing but graphical representation of a table. तो आप normal language में भी लिख सकते हो, form is a graphical representation of a table. ठीक है, तो एक बार फिर से हम इसको कर रहे हैं. फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं, गलती किया था, थ्री व्यूज में हम उसको देखेंगे. ठीक है, कौन कौन से इसके कितने व्यूज से हम उसको देख सकते हैं. ठीक है, थ्री टाइप से देख सकते हैं. फॉर्म व्यू, एक लेआउट एंड डिजाइन व्यू. बच्चे जब आपका कैमरा ऑफ है तो आपको बोल देना चाहिए. यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रही थी, ओके. सो हाउ टू क्रिएट फॉर्म फ्रॉम ए शीट. तो सबसे पहले हमने क्या किया था, फर्स्ट स्टेप इज क्लिक ऑन क्रिएट टैग. ओके बच्चे, यहाँ पे दिख रहा है सबको? यस मैम. यस मैम. क्लियरली यस मैम. जूम की जरूरत है? Yes, ma'am. Okay, wait. Now clear? Yes, ma'am. बच्चे अगर आपको ब्लर भी शो कर रहे हैं ना तो बता दिया करो. ठीक है, ब्लर शो कर रहे हैं, ऑनलाइन है. ओके, सो फर्स्ट क्लिक ऑन क्रिएट टैग ऑन द रिबन. ये आपके पास रिबन है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये रिबन है. रिबन के अंदर आपके टैब्स होते हैं, होम, क्रिएट, एक्सटर्नल, डेटाबेस, डेटाशीट. ठीक है, ये टैब्स हैं. फर्स्ट क्लिक ऑन क्रिएट टेबल, देन क्लिक ऑन फॉर्म ऑप्शन प्रेजेंट इन फॉर्म ग्रुप. ये आपके पास ग्रुप्स होते हैं, ये पता होना चाहिए. ग्रुप्स, रिपोर्ट, सॉरी फॉर्म्स, फॉर्म्स ग्रुप, रिपोर्ट्स ग्रुप, ये ग्रुप्स होते हैं, ये टैब होते हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टैब होते हैं, इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, कौन सा टैब है, कौन सा ग्रुप है. ठीक है, देन क्लिक ऑन रिपोर्ट्स ग्रुप. ठीक है, देन क्लिक ऑन फॉर्म ऑप्शन. ठीक है, अब हमने फॉर्म पे क्लिक किया तो मेरे पास ये फॉर्म जो है वो क्रिएट हो गया. ठीक है, दिख रहा है सबको फॉर्म? यस मैम. यस मैम. नंबर वन था सीमा के नाम से, एड्रेस नरोटा भगवान, एज 12 एंड पास. ये हमारे पास फॉर्म था. यस मैम. इसका अगर मुझे नेक्स्ट फॉर्म देखना है तो ये देखो एंड में 1 of 6, ये मेरे पास 6 एंट्रीज है तो मैं नेक्स्ट कैसे देखूंगी, यहां से मैं उसको नेक्स्ट करूंगी. ठीक है, तो नेक्स्ट फॉर्म आ जाएगा मेरे पास. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको इसको थोड़ा सा कर देते हैं. ये देखो सेकंड एंट्री आ गई, दिख रही है सबको सेकंड एंट्री? इसको जूम करने की जरूरत तो नहीं है, ये तो क्लियर है ना? यस मैम. पॉज कर दिए करो यस और नो में. ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम, हम क्लियर है. अगर आपको तभी बताते तो ये सेकंड एंट्री है. सेकंड आपका ईशान नाम से है, सेकंड एंट्री है नगोटा भगवान, एज आपकी 13 है ईशान की एज, और वो पास है, वो सेकंड एंट्री बताती. थर्ड एंट्री के लिए आल्सो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे थर्ड एंट्री ये 7 आ, वेट, यहां से आप नेक्स्ट करते जाओगे. एक मिनट, यहां से आपने करना है इसको. ठीक है, ये बहुत सारे एरोज बने हैं ना, बट ये साथ वाला जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है ये लिखा भी है साथ में, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे. ये देखो जब हम यहाँ पे इसको पॉइंट आउट करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड शो करता है, दिख रहा है सबको? यस. पॉइंट आउट किया है मैंने इसको.
नेक्स्ट रिकॉर्ड शो करना है वहां पे? यस मैम। यस मैम। यस, तो यहाँ से नेक्स्ट करते जाओगे तो मेरे पास ये आपके पास फोर्थ रोल नंबर की आ गई लिस्ट, फिर नेक्स्ट किया, फिर फाइव की आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पास लिस्ट है वो आप यहाँ पे फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादा स्टेप्स तो है नहीं, फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्रिएट डाटा शीट। ठीक है, वो आपकी बुक में नहीं लिखा है, बट अगर आपको खुद से ऐड करना है तो आप बना सकते हैं, तभी हम उसकी फॉर्म नहीं बना सकते, कोई रिपोर्ट क्रिएट नहीं कर सकते वहां से। ठीक है, तो मेनली आपका फर्स्ट स्टेप में ये आता है, क्रिएट डाटा शीट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है यहाँ पे आपका राइट डिजाइन, फॉर्म डिजाइन। कल हम बात कर रहे थे ना फॉर्म डिजाइन की। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखो ऊपर टॉप में फॉर्म लेआउट टू लिखे है, दिख रहे सबको? यस मैम। फॉर्म लेआउट टू, यस मैम। तो इसके आप क्लिक करते हो देन आप यहाँ से उसको व्यू कर सकते हो, डिफरेंट व्यूज। ये आपके पास फॉर्म व्यू आ गया, ठीक है, देन लेआउट व्यू आ गया, उसके बाद आपके पास डिजाइन व्यू आ गया। ठीक है, ओके, यस मैम। यस मैम। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है हाउ डू यू एडजस्ट द डिजाइन ऑफ योर फॉर्म, तो आप अपने फॉर्म का डिजाइन डिजाइन कैसे एडजस्ट करोगे, किसकी हेल्प से करोगे, कौन से व्यू की हेल्प से करोगे डिजाइन आपको करना है, तो डिजाइन व्यू की हेल्प से करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आपको करवा भी दिया है मैंने, हाउ डू यू एडजस्ट द डिजाइन ऑफ योर फॉर्म, तो आपको पता है कि डिजाइन चेंज व्यू से हम अपने फॉर्म का डिजाइन चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिजाइन व्यू पे मैंने क्लिक किया तो इसका डिजाइन आ गया, जो स्टूडेंट है हमारे पास उसका रोल नंबर उसका इस तरह से डिजाइन है। ठीक है, ये डिजाइन शो है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, जैसे देखो यहाँ पे एक और चीज नोटिस करनी है आप, यहाँ पे पहले फॉर्मेट टैब था कि चेंज हो गया डिजाइन टैब में, क्योंकि हमने डिजाइन शो किया है यहाँ पे, फॉर्म का डिजाइन शो किया है तो टैब ऑटोमेटिकली डिजाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको व्यू देखना है, फॉर्म व्यू तो ऑलरेडी होता है, फॉर्म व्यू तो पहले से हमने बनाया वो फॉर्म व्यू ही। ठीक है, डिजाइन व्यू इस तरह से शो किया आपको, नेक्स्ट लेआउट व्यू, तो लेआउट व्यू आपका इस तरह से आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका लेआउट व्यू में आप फॉर्म का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फॉर्म पे क्लिक करते हैं, फॉर्म व्यू पे, तो यहाँ पे आप डाटा को क्या कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं। मीन्स फर्स्ट रोल नंबर में अगर दीपा नहीं लिखना है आपको, दीपा को यहाँ से हटाना है, तो दीपा की जगह आप कोई और डेटा यहाँ पे एंटर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डेटा आपका वर्कशीट में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म में जो भी डेटा आप एंटर करोगे, जो भी अपडेट करोगे आपका, डायरेक्ट वो डेटा शीट में चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जैसे आपका नाम क्या है, तनिष्क, स्पेलिंग बताना, फिनिश के एन आई एस एस एच के यू के एन आई एस एच क्यू यू ई, कनिश। तो मैंने जैसे यहाँ ये स्पेलिंग है एम ए एन ए आई एस एच ये ए है कनिष्क, ये कनिष्क का डाटा मैंने यहाँ पे कनिष्क लिखा, तो ये अपना इसको मैं पहले चेंज कर देती हूँ, क्या हो सर मेरा नाम का
मुझे भी आ रही है हंसी। जैसे यहाँ पे पास ही रखो इसको सेव किया पहले ही पाई रखते हैं इसको फिर बताते ये था और स्टूडेंट टेबल में हमने ये था ठीक है। यहाँ पे हम इसको कनिष्क कर रहे हैं कनिष्क राइट कनिष्क है और इसकी एज को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया 1-4 मतलब आपको पता होना चाहिए फॉर्म व्यू में हम डेटा को एडिट कर सकते हैं ठीक है। कौन से व्यू में डेटा को एडिट कर सकते हैं एडिट डेटा इन फॉर्म व्यू एंट्री करोगे तो डेटा को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है डेटा को सेव करना है टेबल को सेव करना है शीट को शेयर कर सेव करना है तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है लास्ट प्रीवियस चैप्टर में आपने शॉर्टकट की करी थी बट अभी आप भूल गए कंट्रोल प्लस नॉट सी कंट्रोल प्लस एस एस नॉट एफ ठीक है। सेव के लिए एस सेव से ही उठा लो एस कंट्रोल प्लस एस वो अपडेट हो गया। ये देखो फिनिश का आपका ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट हो ठीक है। इसकी एज भी मैंने यहाँ पे चेंज कर दी कंट्रोल एस से आपका जो डाटा है वो क्या होता है डाटा शीट में वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया वो डाटा ठीक है। जो आप होम में एडिट करोगे वही आपका डाटा शीट में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपका डिजाइन व्यू था राइट इसका डिजाइन फॉर्म का इसको ओपन कर लेते हैं पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं ठीक है इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने फिर से हम फॉर्म क्रिएट करेंगे फॉर्म क्रिएट किया अब मेरे पास फॉर्मेट ऑप्शन आता है सब यहाँ पे देखना फॉर्मेट अंडर लेआउट टूल जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसी के अंडर आपके पास यहाँ पे देखो ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन आता है ठीक है। ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन दिख रहा है सबको यस मैम यस मैम। और ये जो बटन होता है ना इसका मतलब है मोर ऑप्शन ठीक है। ये जो एरो बटन बना हुआ है नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं इसको और इसका नेम हम यूज करते हैं मोर ऑप्शन ठीक है। मोर ऑप्शन जब मैंने वर्ड ही बोल दिया मोर ऑप्शन में इसमें और भी आ जाएंगे आपके पास ठीक है। ये देखो पेपर यहाँ पे लिखा है जैसे ही मैं इसको पॉइंट आउट करूंगी तो ये अपना नेम बता देगा ठीक है एक्सेस 2007 जो ऑलरेडी है ये ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आ जाते हैं ठीक है। तो ये आपका स्टाइल भी चेंज हो गया देखो कलर चेंज हो गया इसका ये डिजाइन व्यू हो गया ठीक है। डिजाइन हमने इसका चेंज कर दिया ठीक है डिजाइन नाम इसका फॉर्मेट ही चेंज कर दिया ठीक है। अंडर लेआउट टूल लेआउट टूल के अंदर ठीक है लेआउट टूल के अंदर हमारे पास फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक किया देन क्लिक ऑन ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट देखा था ना आपने
ये देखो फॉर्म फॉर्मेट व्यू फॉर्मेट टैब के अंदर ही आपके पास व्यूज आते हैं. थ्री टाइप्स ऑफ व्यूज आते हैं यहाँ पे, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू. और इसी टैब के अंदर आपका ऑटो फॉर्मेट आता है, यहाँ पे आप अपने टेबल को अलग से फॉर्मेट दे सकते हैं. ठीक है, यस. तो उसके बाद आपका था नेक्स्ट रिपोर्ट. रिपोर्ट हमने कल किया भी था. ठीक है, इसमें हम देख लेते हैं एक बार क्रिएट करके और उसके व्यूज बता देते हैं कि कितने व्यूज होते हैं और किस तरह से आपकी रिपोर्ट दिखती है. तो रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट टैब. व्हाट क्रिएट मैम? टैब क्रिएट ओपन इन रिबन. क्लिक, ये कौन बोलेगा? क्लिक और क्रिएट टैब. फर्स्ट स्टेप जैसे जैसे वैसे ही उसको बोलना है. ठीक है, क्लिक ऑन क्रिएट टैब, देन क्लिक ऑन रिपोर्ट ऑप्शन प्रेजेंट इन रिपोर्ट्स ग्रुप. ठीक है, रिपोर्ट्स रिपोर्ट ग्रुप में, रिपोर्ट्स ग्रुप में हमने रिपोर्ट पे क्लिक किया तो आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट आ गई. ईशान, निशा, नेहा, अर्शी एंड साध्या, जो हमने ऑलरेडी कितने अभी तो किया, हमने डाटा शीट क्रिएट की थी ना, और उसके अंदर हमें रिपोर्ट क्रिएट करनी है. फोन तो हमने क्रिएट कर लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, और रिपोर्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इज एन इफेक्टिव वे टू रिप्रेजेंट योर डाटा इन ए प्रिंटेड फॉर्मेट. ये आपको अगर प्रिंटेड प्रिंट चाहिए इसका, तो डायरेक्टली आप इसकी पूरी लिस्ट निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं कि कौन सी डेट को आपने बनाया था, रिजल्ट क्या है, पूरा उसका प्रिंट निकाल सकते हैं यहाँ से. ये तो सिक्स स्टूडेंट्स है, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स है? जितने भी स्टूडेंट्स हैं पूरी की पूरी लिस्ट हम निकाल सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं कि कौन सा स्टूडेंट एड्रेस क्या है उस स्टूडेंट का, उस स्टूडेंट की एज क्या है, वो पास है या फेल है, पूरी लिस्ट निकाल सकते. ठीक है, तो रिपोर्ट पे क्लिक किया मिस्टर, रिपोर्ट पे, रिपोर्ट क्लिक की है, रिपोर्ट क्रिएट की है. ठीक है, अब इस रिपोर्ट को कितने व्यू से हम देख सकते, पेज नंबर 36 पे देखो, अंडरलाइन भी करना है इसको. देर आर फोर व्यूज, पेज नंबर 36, देर आर फोर व्यूज इन विच अ रिपोर्ट कैन बी डिस्प्ले. फर्स्ट इज रिपोर्ट व्यू, सेकंड इज प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट व्यू, डिजाइन व्यू. रिपोर्ट व्यू, सेकंड प्रिंट प्रीव्यू, थर्ड लेआउट व्यू एंड डिजाइन व्यू. तो यहाँ पे भी आप व्यू पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये, आपके पास रिपोर्ट व्यू, प्रिंट प्रीव्यू, लेआउट प्रीव्यू एंड डिजाइन व्यू. अब देखना जैसे जैसे मैं इस पे क्लिक करती जाऊंगी ये, वैसे आपके पास ये रिपोर्ट शो करती है. ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे. अब मुझे इसके व्यूज देखने हैं, डिफरेंट व्यूज देखने हैं. तो मैं स्टूडेंट जो मेरे पास मैंने रिपोर्ट क्रिएट किया उसमें मैंने राइट क्लिक करना है. ठीक है, yes. क्या करना है हमने? राइट क्लिक करना है तो आपके पास ये, आपके पास व्यू आ जाते हैं, रिपोर्ट व्यू, लेआउट व्यू. अभी हमने रिपोर्ट व्यू देखा, अभी हम इसे लेआउट व्यू देखते हैं. इसकी लेआउट इस तरह से आएगी, थोड़ा सा डिफरेंस है. ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है कि रिपोर्ट में किस तरह से शो होता है, लेआउट में किस तरह से शो होता है. अगेन राइट क्लिक ऑन रिपोर्ट, स्टूडेंट रिपोर्ट, राइट क्लिक ऑन स्टूडेंट रिपोर्ट. ठीक है, देन थर्ड व्यू कौन सा था हमारे पास? डिजाइन व्यू. तो ये इस तरह से डिजाइन आ जाएगा कि किस तरह से आपने डिजाइन किया है उसको. सबसे पहले आपका रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, एड्रेस के बाद एज, रिजल्ट. इस तरह से डिजाइन व्यू का मतलब ये कि डिजाइन के फॉर्म में डिजाइन होना चाहिए, किस तरह से आपने डिजाइन क्रिएट करना.
ठीक है, वो चीज आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा सा आपको जैसे दिखाती हूँ, इस तरह का डिजाइन शो होगा। अगेन मुझे फोर्थ व्यू देखना है इसका। अगेन राइट क्लिक ऑन स्टूडेंट रिपोर्ट, ठीक है। यस, जैसे यहाँ पे शो करेगा वैसे ही वहां पे शो करेगा आपका पेंटेड फोर्थ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रिंट प्रीव्यू है जो आप निकालते हैं। अब डिजाइन व्यू थोड़ी निकालना है, डिजाइन व्यू का थोड़ी प्रिंट निकालोगे आप, राइट। डिजाइन तो आपको करना है, किस तरह से आपको डिजाइनिंग करनी है, बट आप प्रिंट कहाँ निकालोगे? प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तभी आप उसको कमांड दे सकते हो प्रिंटर को कि मुझे ये प्रिंट चाहिए, ठीक है। तो मैंने प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक किया जो आपका फोर्थ ऑप्शन था, फोर्थ व्यू था, ठीक है, क्लियर। तो ये आपके पास इस तरह से कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी, इसमें कोई डिजाइन नहीं है, जस्ट प्रिंट की फॉर्म में जो आपको चाहिए वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अगर 80 स्टूडेंट्स हैं तो 80 स्टूडेंट्स की मैं लिस्ट निकाल सकती हूँ, ठीक है। बट ये नहीं एट अ टाइम में 20 स्टूडेंट्स, एक पेज में जितने स्टूडेंट्स आते हैं उसी की लिस्ट आए। अगर 20 स्टूडेंट्स आ रहे हैं एक पेज में तो 20 स्टूडेंट्स की लिस्ट आए, ठीक है, क्लियर। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछ यस क्वेश्चन आपसे पूछ लू, नेम द फोर व्यूज इन विच रिपोर्ट कैन बी डिस्प्लेड, नेम द फोर व्यूज, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? यस, ये बताएगा अक्षित, अक्षित चौधरी। Name the four views in which report can be displayed. Akshit. Akshit. Akshit, unmute your mic. Shubhangi. Yes, ma'am. Yes, name the four views in which report can be displayed. Ma'am, layout view, design view. Ki voice nahi aa rahi hai bachche. Speak loudly. Shubhangi. Ma'am. Ma'am, can I? Layout view. रिपोर्ट व्यू एंड प्रिंट। शुभांगी आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। कनिका, नेम दी फोर व्यूज, कनिका 2934, नेम दी फोर व्यूज इन विच आर रिपोर्ट कैन बी डिस्प्ले। यस, मैम फॉर्मेट व्यू, डिजाइन व्यू, लेआउट व्यू। नो बच्चे, माय क्वेश्चन इज नेम फोर व्यूज इन विच रिपोर्ट कैन बी डिस्प्ले, नॉट फॉर्म, इट्स रिपोर्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट, नॉट फॉर्म, रिपोर्ट। व्यूज बताने हैं आपको, जस्ट व्यूज बताने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं किया मैंने यहाँ पे। बट क्वेश्चन आपका पेपर में इस तरह से आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट एंड नेम द फोर व्यूज इन विच रिपोर्ट कैन बी डिस्प्ले, एक सा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आपकी बुक में नहीं दिया बट एक साथ क्वेश्चन आ सकता है, ये जो आपके सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन है इसमें क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्ट, नेम फोर व्यूज इन विच रिपोर्ट कैन डिस्प्ले, एक साथ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। दीपिका, दीपिका आप बताओ, यस महक, यस मैम, देयर आर फोर
views in which report can be displayed, report view, print preview, layout view, and design view. Yes.